खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मतलब कोई सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा या? नहीं नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं उसको दे रहे हैं इस कारण। नमस्कार, आपका स्वागत है JJN न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ शताक्षी गौतम। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से कई अजब गजब मामले सामने आए। कभी इन मामलों ने हमें हैरान हुए तो कभी परेशान हुए। कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सामने आया है, जहां आबकारी विभाग के अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद आप खुद तय करेंगे कि आपको हंसना है या हैरान होना है, क्योंकि कभी फिल्मों में सुनते आए थे कि शराबी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब ये शब्द कोई अधिकारी बोले तो कैसा लगेगा। तो चलिए पहले वायरल वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ लोकल प्रशासन ने जो आदेश दिए उसके तहत हमने यहाँ पे आदेश निकाला है कि जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पर बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा या? नहीं नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं उसको दे रहे हैं इस कारण। ये आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिन व्यक्ति को कोरोना की दो टीके लगे हैं उनको ही शराब दी जाएगी। जब अधिकारी से पूछा गया कि दोनों डोज लगने वाला व्यक्ति कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति खुद बताएगा क्योंकि शराबी झूठ नहीं बोलता। अब अधिकारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आबकारी अधिकारी ने इस संबंध में शराब दुकान संचालकों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कई जिलों में खाद्य विभाग ने टीका नहीं तो राशन नहीं का भी आदेश दिया था। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की 10 माह से चल रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।